आ जाइए बच्चे, बहुत फास्ट ज्वाइन, नोटिफिकेशन से बच्चे जो है ना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों, क्लियरिटी है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियरिटी है। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए बच्चों, क्लियरिटी है या नहीं, कोई बता नहीं रहा है। जी सर, ओके। चलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था कल, है कि नहीं, ग्रोथ के बारे में। आज क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लेते हैं हम, ठीक है, और एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं हम लोगों को, ताकि चीजें जो है पूरी हो जाए। क्लियर है बच्चों? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइक ठोको, धड़ाधड़ 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 लाइक ठोको सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, बता दे रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज आइडेंटिफिकेशन, ठीक। देन हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना, यानी करेक्ट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग देन पढ़ेंगे नॉमनक्लेचर, ठीक है, नॉमनक्लेचर पढ़ेंगे, देन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है कि करेक्ट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आप नेमिंग आना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग पढ़ेंगे नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग। जैसे इसमें हम लोग दो चीजें, बायनोमियल नॉमनक्लेचर गिवन बाय लिनियस, लिनियस साहब के क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बायनोमियल नॉमनक्लेचर, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पीसीज, एक होता है जीनस, क्लियर। तो स्पीसीज और जीनस, पहला जो वर्ड होता है बच्चों वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा एस से स्पीसीज, एस से सेकेंड, एस से स्मॉल, ठीक है। तो स्पीसीज जो होगा वो सेकेंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम लोग। करो भाई सही करो, थोड़ा सा रुक जाइए बेटा, बस सही कर रहे हैं हम लोग, शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया क्या? जी बेटा, ऑफलाइन लोग आ रहे हैं अभी, कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से देखिए,
सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, देन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉमेनक्लेचर। ठीक, नॉमन आफ्टर नॉमेनक्लेचर हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन की, कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करें किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर? क्या पेन चेंज करिए सर। ओके, वाइस 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 क्लियर बच्चों? जी सर, वाइस बहुत लो है, जरा उससे वाइस बहन, वाइस लो कैसे है? बताइए अब क्लियर है क्या? अब वॉइस जा रही है कि हम बहुत फास्ट हो? हेलो हेलो बच्चों, वॉइस तो आ रही है? हेलो हेलो हेलो, स्लो वॉइस है, वॉइस बिल्कुल स्लो है, सही कह रहे हैं आप, वॉइस स्लो है। हेलो हेलो, ये प्रॉब्लम कहाँ से आने लगी वॉइस वाली? हेलो 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 हेलो, सेल डाउन हो रहा सर, सेल डाउन। चलिए कोई नहीं बेटा, पढ़िए थोड़ा सा जो है, ठीक है, यूज ईयरफोन लगा लीजिए और झमाझम पढ़िए आज। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, देन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम लोग साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे बच्चों, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की बेसिस पे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में, जैसे क्लास मैमेलिया में आ रहा है, ठीक है, किस क्लास में आ रहा है हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, किस जो है फाइलम में आ रहा है हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पढ़ा दें कुछ चीजें, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आंस्टमेयर पहले साइंटिस्ट हैं एनसीईआरटी के बच्चों, जिनका लाइफ स्पैन जो है 100 ईयर था। कितना था? 100 ईयर। क्लियर बच्चों? ठीक, बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्प्टन जर्मनी। आंस्टमेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाला जिसके, ठीक है ठीक है ठीक है, 20th सेंचुरी के डार्विन। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि 20th सेंचुरी के डार्विन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि 20th सेंचुरी के डार्विन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है बच्चों? ठीक, दूसरी चीज, आंस्टमेयर को कहा जाता है ट्रिपल, मार्कर बहुत खराब चल रहा है दिशा, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 अवार्ड जीते थे। देखिए, मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइजेस,
ठीक, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बाजन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1904 एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 1990। क्लियर बच्चों, सब एक ही साइंटिस्ट हैं जो 100 साल जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, ठीक है, एक साइंटिस्ट 1999 साल क्या लाइफ स्पैन था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक मैडम क्यूरी थी उसके बाद, शायद मैडम क्यूरी कही था, ठीक है, 99। तो हम बताएंगे आगे पढ़ाएंगे, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बस ये दो चीजें मत भूलिएगा, ठीक है, 20th सेंचुरी के डार्विन कहा जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों, क्लियर है सभी को, क्लियर हो रहा है बच्चों, आगे आते हैं, कुछ चीजें जो पढ़ी थी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ये तो नहीं पढ़ाएंगे हम, व्हाट इज लिविंग है कि नहीं, ये सब आसान चीजें हैं, बताइए रीडिंग लगवा दें या फिर आगे मूव करें, बताओ बच्चों, रीडिंग लगवा दें बुक की या फिर आगे मूव करें अगले टॉपिक पे? नो सर, रीडिंग मंतशा कह रही है, नहीं और कोई, आगे सर, मेरा खालिद, नो मूव, नो सर, बहुत अच्छे आप लोग सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी बात, चलिए आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों बायोडायवर्सिटी की, क्लियर, बायोडायवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, अगर तो बायोडायवर्सिटी में टर्म बायोडायवर्सिटी गिवन बाई, टर्म बायोडायवर्सिटी गिवन बाई, बच्चों लिखिए सभी लोग, टर्म बायोडायवर्सिटी गिवन बाई एडवर्ड विल्सन, किसने दिया था बच्चों, एडवर्ड विल्सन साहब ने, ये सब होगा तो क्लास चल पाएंगी, दिमाग खराब हो रहा है, ये तो पहले हम लगवाइए, बिना उसके से सही नहीं होगा, बेटा मूड खराब हो रहा है, बिल्कुल मूड खराब हो रहा है, जो आप लोगों का भी मूड खराब हो रहा है कि नहीं, देखा ना, समझिए करिए, मारेंगे आगे सर आपको, डेली की प्रॉब्लम यही होती है, इतना बढ़िया लेक्चर है, और जो है मेरा मॉर्निंग का ही लेक्चर सबसे अच्छा चल रहा है, सही बता रहा हूँ, शाम का लेक्चर जो है ना गड़बड़ हो जाता है, मॉर्निंग का लेक्चर मेरा जबरदस्त चल रहा है, खैर जो है इसको एक शाम सही करो मेरे भाई, सही करो, और कल अगर ऐसा हुआ ना छोड़ के चला जाऊंगा तुम्हारी ओर से, बंद हो जा रहा है सर, सर जो है बड़ी दिक्कत आ रही है, सर उसको लगवाई बहुत जरूरी है, और हालात तो खराब चल रहे हैं, ये बताइए कितना पैसा लगेगा, ठीक है मैं अभी पे कर दे रहा हूँ उसको, लगवा चलिए कोई नहीं बेटा, बस पढ़ाते हैं, ठीक, इंशाल्लाह कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग बेफिक्र रहिए,
चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले टर्म ऑफ बायोडायवर्सिटी बच्चों गिवन बाय एडवर्ड विल्सन किसने दिया था बच्चों बस यही एक लाइन जो इम्पोर्टेंट बेटा वही मैं बता रहा हूं आपको सारी लाइन मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए टर्म एडवर्ड विल्सन किसने दिया था बच्चों एडवर्ड विल्सन साहब ने जो है टर्म बायोडायवर्सिटी दिया था ठीक है जिसमें 1.7 से 1.8 मिलियन जो है बायोडायवर्सिटी थी अब बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो है जो भी स्पीशीज प्लांट और एनिमल की रह रही है उसको हम लोग कंबाइन करते हैं क्या बोलते हैं बेटा बायोडायवर्सिटी ठीक है स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी टर्म गिवन बाय पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन जी हम इकोलॉजी में पढ़ाएंगे आप लोगों क्लियर देन हम लोग बच्चों मूव करते हैं इसको छोड़िए अब हम लोग आते हैं मिनिमाइज कर दिए ओके इसे पढ़ लेते हैं ज्यादा बेटर आप लोग रीडिंग एनसीईआरटी से लगाइएगा मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों को बता दूंगा ठीक है जो इम्पोर्टेंट हो जल्दी रीडिंग लगवा दूंगा समझिए पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ठीक है करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक या करेक्ट नेमिंग ऑफ ऑर्गेन्स कॉल आइडेंटिफिकेशन फिर हम लोग करते हैं बच्चों नॉमनक्लेचर में हम लोग साइंटिफिक नेमिंग बताते हैं क्या बताते हैं बच्चों साइंटिफिक नेमिंग क्योंकि साइंटिफिक नेमिंग जो होती है वो कहीं भी आप चले जाइए हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान किर्गिस्तान ठीक है बस कब्रिस्तान ना जाइएगा ठीक आप कहीं भी चले जाइए आपको ये साइंटिफिक नेमिंग सेम मिलेगी ठीक है कहीं भी आप चले जाइए लेकिन अगर आप लोकल नेम हर जगह का चेंज होता है ठीक है ना साइंटिफिक नेम जानना जरूरी जैसे मैं इंडियन मैं चला गया कहीं और दूसरी कंट्री में वहां जो है डॉगी को कुछ और कोई बोलता है ठीक काउ को कुछ और कहते हैं जैसे मैं एक आपको बताऊं अभी मैं कल एक शो देख रहा था तो उसमें पोटी किसको बोलते हैं लड़की को जो है पोटी बोलते हैं कहीं कहीं ठीक है तो ये जो नाम चेंज हो रहा है तो अगर साइंटिफिक नेम होगा तो वो चेंज नहीं होगा वहां जगह सेम होगा तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ठीक है अगर साइंटिफिक नेम आपको आ रही तो आप कहीं भी जाइए इस वजह से साइंटिफिक नेम जो है बदलता नहीं है ठीक है देन हम क्या करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन करते हैं ठीक है क्लासिफिकेशन यानी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग किस क्लास में रखा जाए ठीक है ये डिसाइड करते हैं जैसे मैंने कहा कि फोर लिम्स पाए जा रहे हैं ठीक है क्या है बच्चों फोर लिम्स तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बात जो है आएगी फिर मैंने कहा कि फोर लिम्स के साथ साथ उसकी बॉडी पे हेयर पाए जा रहे हैं ठीक है हेयर पाए जा रहे हैं ठीक है फिर मैंने उसके कुछ कैरेक्टर्स आपको बताए ठीक ऐसे हम लोग कैरेक्टर ऐड करते जाएंगे तो कोई इसको मैमेलिया में रख देगा किसमें रख देगा बच्चों कहेगा कि ये तो मैमेलिया के अंदर आना चाहिए है कि नहीं बॉडी हेयर का पाया जाना मैंने कहा मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही है क्या पाई जा रही है बच्चों मेमोरी ग्लैंड पाई जा रही तो आप कहेंगे सर इसको मैमल में रख दीजिए ठीक है तो हम लोग कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि इसको कहां रखा जाए ठीक है जो है क्लियर तो क्लासिफिकेशन यानी इसी सबको आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर क्लासिफिकेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं जो है बच्चों टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं क्लियर मेरे ख्याल से क्लियर आगे जैसे अब बाइनोमियल नॉमनक्लेचर की बात करें बाइनोमियल नॉमनक्लेचर
binomial nomenclature. Binomial nomenclature given by Linnaeus. किसने दिया था बच्चों? Linnaeus साहब ने. ठीक. Binomial nomenclature given by Linnaeus. और Linnaeus ने क्या दिया था बच्चों? Two kingdom system classification. Two kingdom system. ठीक है. Two kingdom classification किसने दिया था बच्चों? Linnaeus साहब ने दिया था. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय Linnaeus. अब Linnaeus साहब ने दो चीजें, एनिमल और प्लांट, इन्होंने किसकी बेसिस पे इसको सेपरेट किया, प्लांट को प्लांट में, एनिमल को एनिमल में रख दिया? इन्होंने बच्चों सेल वॉल के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय Linnaeus. Linnaeus ने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. और बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय Linnaeus. अब इन्होंने प्लांट और एनिमल को तो क्लासिफाई कर दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं चेक किया था, तीन चीजें थी इन्होंने जो नहीं देखी थी. इन्होंने नहीं देखा बच्चों कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर. पहली बात. दूसरी चीज इन्होंने नहीं देखा कि यूकैरियोट है बच्चों या प्रोकैरियोट. क्लियर. इन्होंने ये बात नहीं देखी कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट. तीसरी चीज इन्होंने नहीं देखी थी कि फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक. क्लियर बच्चों. जब Linnaeus साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, उन्होंने ये तीन पॉइंट नहीं देखे थे कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है. बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय व्हीकल, फोर किंगडम को फाइव किंगडम व्हिटेकर साहब ने दिया था. ये बातें हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आई तो मैंने कहा कि आप लोगों को बताना चाहिए. Linnaeus की बुक थी बेटा सिस्टेमा नेचुरी, इनकी किताब का नाम था, ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं जो टू इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उसके बारे में पढ़ते हैं. मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा. पढ़ते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने कुछ पॉइंट दिया था, ठीक है. इन्होंने कहा कि जो पहला, जैसे हमने लिख दिया महंगी फेरा इंडिका, क्या लिखा, ठीक, महंगी फेरा इंडिका. क्लियर. तो इन्होंने कहा कि पहला ये जो पार्ट होता है बच्चों, पहला ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को. किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? जीनस को, ठीक है. सेकेंड एस से, सेकेंड एस से बच्चों स्मॉल, एस से स्पीशीज, याद रखिए, ठीक. एस से सेकेंड, ऐसे मैं लिख सकता हूं कोई दिक्कत, एस से सेकेंड, एस से स्मॉल यानी स्मॉल लेटर में, पूरी बात लिखने दो नहीं तो कंफ्यूज हो गए. एस से स्पीशीज यानी जो स्पीशीज है, यानी सेकेंड पहला ये हो गया बच्चों, सेकेंड वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. और स्पीशीज क्या, सेकेंड को, एस से स्मॉल. अब देखिए जनरली जो होते हैं इसमें चार पॉइंट थे बच्चों. ये क्या होते हैं, लैटिन में होते हैं, लिखे किस में जाते हैं, रिटेन इटैलिक्स, ठीक है बच्चों, किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में. दूसरा पॉइंट, जो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकेंड स्पीशीज को,
किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? स्पीशीज को। थर्ड, जब हम इसको लिखें तो अंडरलाइन करना जरूरी है, अंडरलाइन दी जीनस एंड स्पीशीज, ठीक, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली, ये नहीं कि एक ही में हॉक दिया सब, जैसे देखो ऐसे ऐसे नहीं, मेलिफेरा इंडिका ऐसे नहीं कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेपरेटली अलग अलग तरीके से अंडरलाइन करना, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था इनका? चौथा पॉइंट ये था बच्चों कि जो जीनस होगा, जीनस इसको किस लेटर में लिखेंगे? कैपिटल लेटर। किसमें लिखेंगे बच्चों? कैपिटल लेटर। स्पीशीज को किस में लिखेंगे? स्पीशीज को हम लोग लिखेंगे स्मॉल लेटर में, वही बताया है ये पॉइंट। ये ऐसे चला था भाई, अपना चलाना अपना चलाना, नहीं तो बताए। क्लियर? लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, जीनस पहले फर्स्ट वर्ड को, सेकंड को हम लोग बोलते हैं स्पीशीज, अंडरलाइन हम लोग करेंगे सेपरेटली, क्लियर। जीनस कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्पीशीज को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। बताइए बच्चों क्लियर है? तो देना सर फोन अपना। बताइए बच्चों क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो? बहुत ही, देखिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों से। ये देखिए यही पार्ट पूरे लिविंग वर्ड में मुझे सबसे गंदा पार्ट लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूं इस वक्त मुझे, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। कल एक लेक्चर और लेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। जो है इस मंथ तक जाते जाते हम लोग चार चैप्टर कवर करेंगे मंथ के लास्ट तक, बहुत आराम से। क्लियर है मेरे ख्याल सभी? क्लियर, बहुत आसान है। ये बात याद रखना, इसको याद रखना, लिथियम से अगर नहीं याद हो रहा है तो लिथियम एल आई, ठीक है, जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, ठीक, लिथियम से अगर एल आई, जनरली क्या होता है लैटिन में रिटन इन इटैलिक्स, फर्स्ट जीनस को, सेकेंड स्पीशीज को, अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, जीनस कैपिटल मेरे ख्याल से। अगला देखिए, जी हमने लिख दिया, बताइएगा सही है कि नहीं, मैंगी फेरा, कौन सा सही बताना, मैंगी फेरा इंडिका, ठीक, या हम ये लिख दें पैंथेरा लियो, या हम ये लिख दें होमो होमो सेपियंस, ठीक, या हम ये लिख दें सोलेनम सोलेनम ट्यूबरसम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बताइए बच्चों कौन सा सही है इसमें? फोर्थ मॉर्निंग है, सुजैन खान सब रंग है। कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन। हम लोग लिनियस का बाद में उसी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, जैसे मान लीजिए
इसको लेके ये क्वेश्चन सन 2018 में आया था, पैंथेरा लियो, ठीक पैंथेरा लियो, ये भी सही है लेकिन इससे ज्यादा सही कहीं ये है। लास्ट में हम लोग जिसने डिस्कवर किया है इसका नाम लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको कह दिया बच्चों जी, इंडिका, और ये लिनियस भैया तो इसमें और इसमें इसको कैंसिल कर, बताइए अब कौन सा ज्यादा बेटर है। ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा ये सही ये भी है लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें लिनियस साहब का नाम अटैच है, क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे ना आके जो है अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, ठीक, अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी या हम कहें टैक्सा इन डिफरेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर। अब जैसे देखते हैं किंगडम, हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे नीचे से, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट से। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? स्पीशीज। स्पीशीज के बाद क्या आता है बच्चों? जीनस, ठीक है, किंग, पी सी ओ, किंग पी, याद रखिएगा सब लोग, किंग पी सी ओ, फेमस जीन्स से, क्लियर। किंग यानी किंगडम, पी यानी फाइलम, ठीक है, सी से क्या हो जाएगा बच्चों? क्लास। ओ से हो जाएगा बच्चों ऑर्डर। एफ से हो जाएगा फैमिली, क्या हो जाएगा बच्चों? फैमिली। जी से क्या हो जाएगा बच्चों? जीनस, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा? स्पीशीज। तो एक तो ये ऑर्डर आएगा, आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स की टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की ऑर्डर बताइए आप, क्लियर है। देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी बच्चों? स्पीशीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, क्लियर। तो याद रखिएगा किंग पी सी ओ, ऐसे याद रखिएगा, या किसी को निमोनिक्स और पता हो तो अलग बात है। किंग, अरे पहले पीसीओ होती थी बच्चों सबके यहां कॉल करने के लिए, पीसीओ, फेमस। एफ से क्या हो जाएगा बच्चों? फेमस, किससे? जेंट्स से, यानी जेंट्स, जेंट्स बोलते ना, जेंट्स यानी बॉयज, बॉयज को बोलते। किंग पीसीओ फेमस जीन्स से नहीं भैया, जेंट्स से, ठीक, जेंट्स से, यानी बहुत ज्यादा लड़के लोग जाते हैं वहां कॉल करने के, ठीक है, हाँ। किंग पी सी ओ फेमस जेंट्स, फेमस यानी फैमिली, सी यानी क्लास, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, यही पढ़ना है आज हम लोग, बताइए सभी को क्लियर है। बताइए बच्चों किंग पीसीओ फेमस जेंस से, मेरे ख्याल से क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब वन बाय वन सब पढ़ लेते हैं हम लोग,
ये बहुत ही आसान चीज है, चलिए स्पीशीज पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्पीशीज। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीशीज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों, है कि नहीं है? ठीक, स्पीशीज हम लोग कैसे पहचानते हैं बच्चों? सेकेंड वर्ड से, है ना? ठीक, अब एग्जांपल दे देंगे कि बताइए मैंगी फेरा इंडिका में, ठीक, पैंथेरा टिग्रिस में बताइए कौन स्पीशीज है, या होमो सेपियंस में बताइए स्पीशीज कौन है, तो आप क्या बताएंगे? ये तीनों क्या है बच्चों? स्पीशीज। अब तो पहचान लोगे जीनस और स्पीशीज। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक चीज और आपको दिखाएं इसमें। देखिए बच्चों, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलरिटी कम होती है, नहीं होती है, है नहीं? यानी डिसिमिलरिटी बढ़ती है। ठीक, जैसे स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पीशीज कहलाते हैं, यही स्पीशीज ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्या बनाती है? जीनस। तो ये पास पास ज्यादा हैं और फैमिली में भी, तो जो कैरेक्टर स्पीशीज के होते हैं वो जीनस में हल्का फुल्का मैच करते हैं, जीनस में जो होते हैं वो फैमिली में। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हाईएस्ट ऑर्डर की तरफ, उधर डिसिमिलरिटीज यानी कैरेक्टर आपस में क्या होते हैं? कम मैच करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कम होते हैं, समझ रहे हैं? जितना यानी पास है कैरेक्टर उतना ज्यादा मैच करते हैं, जितना ही ज्यादा हम लोग दूर जाते हैं कैरेक्टर उतना ही ज्यादा सिग्रीगेट कर जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। बताइए बच्चों, क्लियर? क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है। चलिए एनसीईआरटी से पढ़ते हैं कुछ चीजें। देखिए बच्चों, क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है आज। चलिए बच्चों, एक चीज तो भूल गए थे बताने के लिए आप लोगों को, देखिए यहाँ आ गया नॉर्मल आइडेंटिफिकेशंस। अब आइडेंटिफिकेशंस बच्चों दो चीजें होती हैं, एक प्लांट को हम लोग अलग रखते हैं, प्लांट को जब हम लोग अलग रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बॉटनी मीन्स होता है कि बच्चों जो हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है। जूलॉजी में हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों? एनिमल की स्टडी करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, क्लियर? ये पॉइंट जो है हमने मिस किया था।
अब हम लोगों ने बाकी सारे पॉइंट पढ़ लिए थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय लिनियस साहब ने दिया था, लिनियस साहब की बुक कैरोलस लिनियस वरना इनकी बुक का नाम था बच्चों सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ा दिए थे आप लोगों को, सब हो गया था, ठीक है। टैक्सोनॉमी हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफिकेशन करना, सारी की सारी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, क्लियर। टैक्सा इज नथिंग, टैक्सा इज अ कैटेगरी, ठीक है। टैक्सा क्या है बच्चों, एक कैटेगरी है। देखिए इनकी बुक का नाम जो है सिस्टेमा नेचुरी, आपको दिख रहा होगा इनकी बुक का नाम क्या है बच्चों, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम आगे की तरफ। स्पीशीज अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, टैक्सोनॉमिक, देखिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीशीज। अब हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था मैंगिफेरा इंडिका का, सोलेनम प्यूबरसम का यानी पोटैटो, पैंथेरा लियो लायन का। ऑल द थ्री लियम्स इंडिका प्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगिफेरा सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, क्या होती है बच्चे, जेनेरा होते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी ईच जीनस, देखिए बच्चों ईच जीनस, अभी ये लाइन आपको समझ में आएगी, ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे आप यहां देखिए फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स निग्रम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मिलोन जीना। ये सोलेनेसी फैमिली जो होती है बच्चों, सोलेनेसी फैमिली, इसमें सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मिलो जीना। तो यहां पे अगर आप देखें बच्चों सोलेनम क्या है, जीनस है, लेकिन स्पीशीज इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सोलेनम में निग्रम एंड मिलोन जीना, क्लियर। सोलेनेसी फैमिली, इसके आगे सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मिलो मिलोन जीना, यानी ये तो कॉमन है, सोलेनम क्या है फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, वो तो कॉमन है, लेकिन स्पीशीज क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए निग्रम है, यहाँ पे मिलोन जीना, यानी अलग अलग हो रही है। तो वही लाइन दिख रहा है कि जीनस में है वन मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, क्लियर, विच इज ग्रुप, ठीक है। होमो सैपियंस को आपको पता है कि होमो सैपियंस बोलते हैं। अब हम लोग क्या करें, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यही स्पीशीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, देखिए बहुत सारे स्पीशीज है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज ज्यादा होंगी, है कि नहीं, जस्ट स्पीशीज के बाद क्या है, जीनस, यानी सिमिलरिटीज बहुत होंगी। अब देखिए जीनस के ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन, कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, मोर कैरेक्टर कॉमन होंगे, क्योंकि स्पीशीज के बाद मैंने बताया था, अभी जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है, डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्पीशीज के जस्ट बाद जीनस, जीनस बाद फैमिली, फैमिली के बाद जो है बहुत कम हो जाती है, फैमिली की हद तक कुछ कुछ कैरेक्टर फैमिली तक मैच करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर मैच करते हैं वो इस जीनस में, स्पीशीज वाले जीनस में मैच करते हैं। तो यहां पर दिया मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है, कॉमन। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, जीनस। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। सब कौन सी फैमिली में आते हैं बच्चों, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, कौन सी फैमिली में बच्चों, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्लियर है, लायन, लायन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड को पैंथेरा पार्डस, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा 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 ये क्या हो गया बच्चों, जीनस, सभी में सेम, ठीक है। लेकिन आप यहां देखिए पैंथेरा लियो लायन पार्डस यानी स्पीशीज क्या हो रही है, सबकी बदल रही, नहीं समझ पाए। विच सिंगल कॉमन फीचर्स आर स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस, फेलिस हम लोग बोलते हैं बच्चों कैट, कैट और
लिखा तो है विच इंक्लूड्स कैट और कैनेडी। कैनेडी किसकी होती है बच्चों? डॉग। कैनेडी किसकी होती है? डॉग। मेरे ख्याल से कही है दिमाग। बताइए बच्चों स्पीशीज और जीनस क्लियर। अब हम लोग फैमिली पढ़ेंगे। फैमिली का जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया था, ठीक है? बताइए पहले यहां तक क्लियर है स्पीशीज और जीनस? एक एक लाइन पढ़ लीजिए, बड़ा क्लियर आ रहा है, मजा आ रही है पढ़ाने में। ओके बहुत अच्छी, अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आज लंबा। फिर चलिए फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड। अब बताइए जीनस के बाद क्या आएगा बच्चों? और ये मैंने बताया था किंग पीसीओ फेमस जीन्स से स्पीशीज देन जीनस देन फैमिली। अब बताइए फैमिली क्या होगी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक, विद, अब देखिए विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। मैंने बताया था जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं क्या होता है, सिमिलैरिटीज कम होती जाती है, ठीक है? फैमिलीज आर कैरेक्टराइज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार बना के इसको आप मार्क करिएगा कि इसको किसके बेसिस पे। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, ठीक है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अगर आपने फैमिली का फार्मूला पढ़ा हो तो आपको याद आएगा, कैलिक्स भी है, कोरल्ला भी है, ठीक है, पढ़ाया था, एंडोशियम भी है, गायनोशियम भी है, ठीक है? कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गए यानी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पता है, एंडोशियम गायनोशियम, बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वेजिटेटिव कैरेक्टर, बाकी एंडोशियम गायनोशियम, रिप्रोडक्टिव। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो अगर आप फार्मूला आपने पढ़ा हो तो आपको समझ आएगी बात। तो ये पॉइंट जो है स्टार बना के लिखिएगा, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब हमारी सिलेबस में तीन फैमिली है, पोटैटो फैमिली है, पी फैमिली, लिली फैमिली है, तो सबके फार्मूले अलग अलग होते हैं, ठीक है? तीन 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 लिली फैमिली, पांच 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 पोटैटो फैमिली, ठीक है ना? बाकी जो इससे अलग है वो पी फैमिली हो जाए। तो खैर वो सब बातें हम पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं, मंतशा दशा तो पढ़ चुकी हैं, मरियम तो याद नहीं भी पढ़ा, लेकिन याद कुछ नहीं है, ठीक है? एक बात कह रहा हूँ, पढ़ तो रहे हो लेकिन हवा हवाई नहीं चलेगा। अगर तुम नीट निकालना चाहते हो ना तो हवा हवाई जो पढ़ रहे हो ना, फिर समझ लेना एग्जाम में सब वहीं पंचर हो जाओगे। तो बहुत सीरियस होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आंख कान नाक सब जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं सब खोल के पढ़िए, ठीक है ना? हवा हवाई माँ बाप को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिंदगी के साथ जो है लड़िए, अपने लोगों के साथ कम्पीट करिए लोगों के साथ। और एवन प्लांट्स आर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा, ठीक, थ्री डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम पिट्यूनिया दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। बताइए मंतशा आप बताइए, जो मैंने बताया था इसकी मैंने कोई ट्रिक बताई थी सोलेनेसी फैमिली को याद करने के लिए, याद है? फूड मिल भी आए, स्पेस मिल भी आए, फिर तू और पछताए, फूड तू भी पाए, याद आ रहा है? फूड तू टोमेटो पाए पोटैटो, ठीक है, ब्रिंजल स्पाइस चिली, फूड तू ही पाए स्पेस मिल भी आए, मिल भी आए बेलाडोना अश्वगंधा, ठीक है, फिर तू और पछताए फ्यूमिगेटरी पिट्यूनिया, ये सब एग्जांपल जो है सोलेनेसी फैमिली के। मैंने ट्रिक बताई थी वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ाऊंगा उसको फिर बताऊंगा, ठीक। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइज लायन, बताइए टाइगर लियोपार्ड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पैंथेरा टिग्रिस लियो एंड पैंथेरा लियोपार्ड, ठीक है? पैंथेरा टर्म कॉमन था बच्चों सभी के अंदर, जीनस क्या था सेम थे। पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडी कैनेडी, सिमिलरली यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज, कैट एंड डॉग में बच्चों कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी। अब सिमिलैरिटीज आप क्या कह सकते हैं कैट और डॉग की,
फोर लिम्स होते हैं कह सकते हैं। और जिसे अब देखिए डॉगी जो है वो प्लांट के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन जो कैट होती है ना ये प्लांट के ऊपर चढ़ सकती है। देखा कि नहीं आप लोगों ने कैट को? तो कुछ कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं उसके चेंज हो रहे हैं। तुमको एसी बंद ही नहीं करनी थी भाई, वोल्टेज यहां बढ़ गया ये बंद हो गई, जल्दी करो भाई, इतना बढ़िया लेक्चर चल रहा था। बस थोड़ा सा ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, स्पीशीज पढ़ लिया, फैमिली पढ़ ली, देन हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर में सिमिलरिटीज बहुत कम होती हैं, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं। ऑर्डर में कार्नियोरा, कार्नियोरा मीन्स होता है कार्नियोरा जिसके दांत ये कैनाइन निकले होते हैं। ठीक है, कैनाइन देखा होगा, दो दांत जो है आपको दिख जाएंगे, शेर में दिख जाएंगे, डॉगी में दिख जाएंगे, ठीक है, कैट में दिख जाएंगे। तो कार्नियोरा फैमिली जो है ऑर्डर जो जिनका होता है, ये कैनाइन उनका बहुत ज्यादा डेवलप होता है जिससे वो शिकार करते हैं। ठीक है, शिकारी लोग में जो है कार्नियोरा बोलते हैं, कैनाइन का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, शिकार जो लोग करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास, क्लास में हम लोग जो है बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, एविस बर्ड, तो हम लोग ये सब पढ़ लेंगे, और फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में, क्लास में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है, फाइलम में भी हम लोग फाइलम पोलीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, ठीक है, इकानोडर्मेटा, बहुत सारे फाइलम, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सारे के सारे फाइलम पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइलम टर्म हम लोग एनिमल में यूज करते हैं, डिवीजन टर्म यूज करते हैं हम लोग प्लांट में। ठीक है ना, हम फिर हम लोग प्लांट ग्रुप पढ़ लेंगे, तो हमारे ये चैप्टर जो है पूरे के पूरे फिनिश हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये बच्चों यही जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें सही होती हैं बच्चों के लिए, बस इतना ही पार्ट थोड़ा सा टफ लगता है, लोगों के सब मिक्स हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, फैमिली हो गया था, फैमिलीज हो गया था ना मेरे ख्याल से। चलिए हाँ, तो बताइए बच्चों, कुछ सिमिलैरिटीज बताइए, कुछ डिससिमिलैरिटीज बताइए आप लोग। ठीक है ना, सिमिलैरिटीज आपको क्या दिखेंगी कि इन लोगों के पास फोर लिम है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड है, ठीक, बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी। और अगर हम लोग देखें तो डिससिमिलैरिटीज में इसकी फैमिली फेलिडी होगी और इसकी क्या होगी बच्चों, कैनेडी होगी। और एक और कैरेक्टर आप देख सकते हैं कि जो कैट होती है ये वॉल पे चढ़ जाती है, प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, जैसे लायन, अगर लायन, लायन को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो लियोपार्ड होता है, तेंदुआ, वो चढ़ जाता है, शिकार अपना जो है वो प्लांट के ऊपर चढ़, डिस्कवरी देखिएगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन लायन में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो चढ़ जाए। तो यानी जो कैट है ये कहीं ना कहीं जो है उसी की जो है नस्ल से आ रही है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ऑर्डर। ठीक है, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, किस पे बेस्ड है बच्चों, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, बट इन फैमिलीज, फैमिलीज हमने देखा था लेस सिमिलैरिटीज थी एज कंपेयर टू स्पीशीज एंड जीनस में। क्लियर, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इन द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ सिमिलर कैरेक्टर्स। अब यहां से देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन अ फैमिली। ठीक है, अब प्लांट फैमिली की बात करें हम लोग, लाइक पीसीएस, याद रखिएगा पीसीएस, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स का मतलब होता है बच्चों
बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, यानी फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन सी? कन्वोल्यूसी एंड सोलेनेसी, इंक्लूडेड ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स। तो याद रखना बच्चों, पीसीएस पॉलीमोनियल्स मीन्स क्या होता है? फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। और एनिमल की अगर बात करें हम लोग, ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब क्या होता है बच्चों? जो लोग शिकार करते हैं, जिसके कैनाइन ज्यादा डेवलप होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा, ठीक है। जो लोग शिकार करते हैं उसमें, जैसे फेलिनी एंड कैनेडी, ठीक है। आप उसमें लायन, लायन भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सब किसमें रखे जाते हैं बच्चों? कार्निवोरा में, यानी जो शिकार करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लास की अगर हम लोग बात करें, क्लास में भी कुछ खास नहीं। कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जैट्स बात है। इसके बाद क्या आएगा बताइए? ऑर्डर के बाद क्या आएगा? क्लास आएगा। तो ग्रुप कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा में कौन कौन आता है बच्चों? प्राइमेट्स, मंकी, एप्स, ह्यूमन, याद आ रहा है? मा, मंकी, एप्स, ह्यूमन, जिसको हम लोग बोलते हैं मा, यानी इसके अंदर कौन साइकिल चलती है बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब एप्स में लाइक गोरिल्ला, गिबन, प्लेस इन अ क्लास ऑफ। अब ये किस में आते हैं? जब इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है, ठीक है। हमने पढ़ाया था ये चीज कि नहीं? मां मंथली साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। विल इंक्लूड्स किसमें बच्चों? मैं, मन। बहुत सारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं बच्चों, इसको छोड़ दीजिए, प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को, आप पढ़िए लेक्चर, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, ठीक। तो अब यहां मैमल्स अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। आप बताइए क्या टाइगर, कैट, डॉग ये मैमलियम नहीं आते हैं? आएंगे ना, मैमरी ग्लैंड इनके पास होती है, तो ये मैमल्स में आएंगे। प्लस ये लोग मैमलिया में भी क्या है? ये लोग शिकार करते हैं, यानी कार्निवोरा में आए। ऑर्डर क्या होगा इनका? कार्निवोरा, क्योंकि ये लोग क्या है? शिकारी हैं, है कि नहीं? क्लास मैमलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, ठीक, बहुत सारे होते हैं, इसकी हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि सभी को? बस हवा हवाई पड़ रहा है सब। बताइए बच्चों, बहुत आसान चीजें लिखी हुई है। अगर कहो तो सब यहीं से पढ़ाना शुरू कर दो। क्लास में बहुत सारी चीजें, अगर क्लास की हम लोग बात करेंगे बच्चों आगे, तो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फिशेज। क्या पढ़ेंगे? फिशेज। फिशेज में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्डिक्थीस, ऑस्टिक्थीस, ठीक। हम लोग एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग जो है बर्ड्स के, एविस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हम जो है मैमल्स के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तो यहां पे हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये आगे पढ़ेंगे सेपरेट, एक एक बहुत डिटेल लेक्चर जाएगा इसका, ठीक। क्लास में हम लोग फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, हम एविस के बारे में पढ़ेंगे, हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये चीजें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब फाइलम बताइए बच्चों, किंग पीसियो फेमस जेंस से। अब यहां पे देखिए, क्लास के बाद क्या आएगा? क्लास के बाद क्या आ रहा है बच्चों? क्लास के बाद, सॉरी, यहां देखिए, ये है क्लास, जस्ट क्लास के बाद फाइलम। अब यहां पे देखिए एक डिवीजन लिखा हुआ, डिवीजन टर्म हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं, लिख लीजिए। डिवीजन टर्म हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं, फाइलम टर्म हम लोग यूज करते हैं एनिमल के लिए। किसके लिए बच्चों? एनिमल के लिए यूज करते हैं। एनिमल के लिए हम लोग फाइलम टर्म यूज करते हैं। उसके बाद सबसे हाईएस्ट कौन आएगा बच्चों? किंगडम आएगा।
किंगडम में हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में पोरी फेरा सीएनटेटा टीनोफोरा इकानोडर्मेटा आस्कहेलमिंथ ठीक है आर्थ्रोपोडा ठीक है बहुत सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे फाइलम देखिए क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल्स लाइक फिशेस अभी बताएं एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स ठीक है कॉन्स्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी कार्ड फाइलम। तो हम जब आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर पढ़ाने के बाद फाइलम वाला फिर ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बहुत जबरदस्त यही क्वेश्चन आया था नीट 2020 में यही क्वेश्चन आया था कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को कैसे पहचानेंगे। तो हम यहीं पे बच्चों बता रहे हैं आपको एक तरफ हम लिखते हैं कॉर्डेट एक तरफ हम लिखते हैं नॉन कॉर्डेट ठीक है जो कॉर्डेट होते हैं बच्चों इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है ठीक है वो क्या होता है हालो डार्सल ये देखो प्रेजेंट है पीछे की तरफ बच्चों डार्सल होता है क्या होता है डार्सल होता है बच्चों और हालो होता है क्या होता है डार्सल हालो एंड सिंगल ये भी याद रखिएगा डार्सल हालो एंड सिंगल और नॉन कॉर्डेट के अंदर बच्चों वेंट्रल होता है क्या होता है वेंट्रल सॉलिड और डबल क्लियर। अगर कॉर्डेट की बात करें पोस्ट एनल पार्ट टेल प्रेजेंट होती है बच्चों पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट और इसके अंदर क्या होता है बच्चों पोस्ट एनल पार्ट टेल इज एब्सेंट टेल इज एब्सेंट। इसका अगर हर्ट की बात करें हमारा हर्ट कैसा है बच्चों डार्सल या वेंट्रल हमारा हर्ट वेंट्रल है जिस पे लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं डार्सल ठीक है हमारा हर्ट क्या है बच्चों वेंट्रल है वेंट्रल और इसका हर्ट सिचुएटेड होता है बच्चों डार्सल कहां सिचुएटेड होता है डार्सल। तो ये कैरेक्टर है हम इसको पढ़ाएंगे आपको आगे लेकिन बात आ गई हमने कहा बता दें क्लियर है सभी को कॉर्डेट में डार्सल हालो एंड सिंगल जरूर लिख लीजिएगा यहां पे न्यूरल सिस्टम्स ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों डार्सल हालो न्यूरल सिस्टम लिखिएगा डार्सल हालो एंड सिंगल क्लियर है बताइए बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना क्लियर हो तो मैं दोबारा से बताऊं कितने बच्चों को क्लियर है कितने बच्चों को क्लियर नहीं कोई बोल नहीं रहा है टेस्ट स्टार्ट कीजिए सर प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू जी मंतशा बिल्कुल टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे ना हुआ तो फिर कहना आंसर ठीक है हमको दौड़ा लेना फिर सच बता रहे कंफर्म टेस्ट कराएंगे हम खुद चाह रहे हैं टेस्ट हो जबरदस्त ताकि पता तो चले कि बच्चा कौन अच्छा है कौन नहीं। अब यहां पे देखिए बच्चों दोबारा से बता रहा हूं आपको ये देखिए कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ डार्सल हालो न्यूरल सिस्टम यहां पे लिखना डार्सल हालो एंड सिंगल यहां कर लेना सिंगल ठीक है इंक्लूडेड फाइलम कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा और क्या होता है इसका फीचर अभी मैंने बताया था हार्ट कैसा होगा वेंट्रल होगा बस बैठे हो शांति से बता नहीं पा रहे हो हार्ट क्या होगा वेंट्रल आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कुछ बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं आप लोग अपने आप को ना समझिएगा ठीक है हार्ट क्या होगा इन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये लोग ध्यान नहीं दे रहे इस वजह से हार्ट कैसा होगा बच्चों वेंट्रल और पोस्ट एनल पार्ट क्या प्रेजेंट होगा टेल क्या प्रेजेंट होगा टेल ठीक। अब उस वक्त इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू हायर डिवीजन क्या कहेंगे प्लांट में डिवीजन अभी बताया था एनिमल में हम लोग टर्म यूज करते हैं बच्चों डिवीजन हम लोग टर्म यूज करते हैं प्लांट के अंदर फाइलम एनिमल के क्लियर मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अब आते हैं आगे किंगडम आर एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइलम सबसे भैया हाईएस्ट सुपर
Various phyla are assigned to highest category. हाई सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कार किंगडम देखा ना बच्चों, हमने स्टार्ट कहां से किया था, स्पीशीज से, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। ठीक है ना, किंग पीसीओ फेमस जेंस है, तो हाईएस्ट सबसे, इससे हाईएस्ट और कुछ नहीं था। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। किंगडम प्लांटी यानी प्लांट ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट इन कंपैरिजन टू ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन डिवीजन प्लांट भी यूज होता है। ठीक है, हेंस व्हाट वी विल रिफर टू दिस टू ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। तो हम लोग एनिमल और प्लांट किंगडम बच्चों बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक, आज लेकिन हम लोग एक टेबल है उसको जरूर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं एक बेहतरीन टेबल जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मैं आउट कर दे रहा हूं बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं यहां इस सन 2021 में, यहां से नीट का एक क्वेश्चन आउट है। ठीक है, 21 का एक क्वेश्चन आउट है। आपको जीनस याद करने की जरूरत नहीं, जीनस याद करने की जरूरत नहीं, आपको स्पीशीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली और ऑर्डर को याद करना है। ठीक, यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे होमो सेपियंस, होमो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट बच्चों जीनस को, सेकेंड स्पीशीज यानी सेपियंस स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो जीनस हो गया स्पीशीज, अब इसकी फैमिली क्या है बच्चों, होमिनिडी। क्या है फैमिली, होमिनिडी। ऑर्डर तो पता है आप लोगों को, यार ये भी नहीं याद कर सकते आप, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, आपको पता ही होगा कि ऑर्डर, अभी मैंने बताया माँ मंकी एप्स ह्यूमन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, इनके अंदर एज वेल एज प्राइमेटा होते हैं। क्लास तो आपको पता है हम किस में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, हमारी बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग जो है बच्चे का जन्म देते हैं तो क्लास मैमेलिया में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा होता है बच्चों जो बच्चे का जन्म नहीं देता है, जिसका नाम है, कौन बताएगा मुझे, फिर भी वो क्लास मैमेलिया के अंदर आता है, कौन बताएगा, कोई बता रहा है कि नहीं, देखता हूं किसको नॉलेज है आज, कौन बताएगा मुझे, बताइए बच्चों, कोई नहीं बता रहा है, बता दो कोई तो बता दे मुझे, वेल नहीं, बिल्कुल गलत, प्लेटिपस या खुशी शर्मा, बिल्कुल सही, खुशी शर्मा प्लेटिपस होता है, ऑर्निथोरिंचस प्लेटिपस जो एग लेइंग है फिर भी मैमेलिया के अंदर आता है, बाकी सारे के सारे जो है एक बेबी को जन्म कर देते हैं। ठीक है, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, सबको पता होगा, फाइलम डिविजन क्या होगा बच्चों, डेटा के अंदर आएंगे। क्लियर है, अब देखिए हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, जीनस मस्का होगा, स्पीशीज डोमेस्टिका होगा, फैमिली इसकी क्या है, मस्सीडी है, ऑर्डर क्या है बच्चों, डिप्टेरा, डिप्टेरा है, डिप्टेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई डिप्टेरा को हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है बच्चों, डिप्टेरा, क्लास क्या है इसका, जाहिर सी बात हाउस फ्लाई है तो इंसेक्टा के अंदर आएगा, इंसेक्टा का फाइलम भी आपको पता है, आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, 2/3 होता है, ये बात सबको पता है। ठीक, देन हम लोग बात करते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा बोलते हैं इसकी फैमिली एनाकार्डियेसी, यही याद करना है, फैमिली और ऑर्डर, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है, ऑर्डर क्या होता है बच्चों, सपिंडल्स होता है, ये होते हैं डाइकॉट। ठीक है, किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म में, क्योंकि फल, फल कहां बनता है बेटा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म का बेहतरीन करैक्टर है, क्योंकि आपको जिम्नोस्पर्म में फल नहीं मिलेगा, आपको सीड सिर्फ मिलेगा, लेकिन आपको एंजियोस्पर्म में फल मिलेगा, फल जायकेदार फ्रूट। ठीक, तीसरा बीट होता है बच्चों ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका नाम है
ठीक है, इसका जीनस टाइटियम है, स्पीशीज क्या है बच्चों, एस्टियम है, फैमिली इसकी है पोएसी, ठीक है, ऑर्डर है पोएल्स, ये बहुत पूछा जाता है पोएसी या पोएल्स, ठीक है, तो पोएसी, पोएसी फैमिली आल्सो कॉल्ड ग्रेमिनेई फैमिली, लिख लीजिएगा बच्चों, आल्सो कॉल्ड ग्रेमिनेई फैमिली, ग्रेमिनेई फैमिली मोनोकॉट की सबसे एडवांस्ड फैमिली है, मोनोकॉट की सबसे एडवांस्ड फैमिली है पोएसी, यह है मोनोकॉटिलिडन्स और एंजियोस्पर्म, किसमें आते हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म में आते हैं। अब मैं ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की, कैसे याद करना है, आप ट्रिक समझिए, याद रखिएगा बच्चों यहां पे फेमस, याद रखिएगा फेमस होम, फेमस होम मैक, ठीक, याद रखिएगा फेमस से बच्चों हो जाएगी फैमिली, होम से यानी होमिनेडी, ठीक, और यहां से आप ऐसे याद कर लीजिएगा इसका ऑर्डर, आदमी, अगर भूल जाए तो ऐसे याद रखिए, आदमी, मक्खी से, यानी वो आम बेच रहा था उसपे मक्खी बैठ गई, तो आदमी ने क्या किया, आदमी मक्खी आम से उठाए, मक्खी आम से उठाए, आदमी यानी मैन, मक्खी यानी हाउस फ्लाई, आम से यानी मैंगो, उठाए यानी वीट, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा फेमस होम मैप, फेमस यानी फैमिली, होम यानी होमिनेडी, किसकी, आदमी की, ठीक है, यानी आदमी मतलब मैन, ठीक है। उसके बाद हाउस फ्लाई की फैमिली क्या होगी, मसेडी, एनाकार्डियसी, पोएसी, क्लियर। अब यहां पे याद रखिएगा ओ पी डी सैप, ओपीडी सैप, ओपीडी सैप, ओपीडी सैप, ओपीडी सैप, ओपीडी सी, पहला बनेगा आदमी मक्खी आम से उठाए, फेमस होम मैप, फेमस यानी फैमिली, होम यानी होमिनेडी, फेमस होम मैप, एम से मसिडी, ए से एनाकार्डियसी, पी से पोएसी, ठीक, ये फैमिली वाली बात हो गई। उसके बाद बात आती है बच्चों ऑर्डर की, ओपीडी सैप, ओ से ऑर्डर, पी से प्राइमेटा, डी से डिप्टेरा, ठीक है, सा से सपिंडेस, पी से पोएल्स, बस यही याद करना है तुम्हें, यही दो चीजों से सवाल आएंगे, आउट है, यही से पूछे जाएंगे तुमसे, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब सबको पता होता है कि डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, ठीक है, कॉर्डेट है, आर्थ्रोपोड है, कौन सा वो है, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई सभी को। याद रखिएगा आदमी मक्खी आम से उठाए, फेमस होम मैप, ओपीडी सैप, ओपीडी सैप, अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं तो और अच्छा, आप अगर ऐसे याद कर लें तो भी अच्छा है, जैसे आपको याद हो, याद होना चाहिए। बताइए बच्चों, या स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट जरूर करिए आप, और स्क्रीनशॉट तुरंत करिए, क्लियर है सभी को, इसको थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा यहां मैं लिख नहीं पाया, इस वजह से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा मैं वो कर दे रहा हूं दोबारा से, इसको और छोटा सा दिख रहा है बच्चों सभी को, यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं आदमी, आदमी यानी मैन, मक्खी आम से यानी मैंगो उठाए, यानी कोई आदमी था वो मैंगो बेच रहा था तो उससे मक्खी बैठती है, तो आदमी यानी मैं, आदमी मक्खी आम से उठाए, यहां पे याद रखिएगा बच्चों फेमस होम होम मैप, हमारे घर का मैप सबसे ज्यादा फेमस है, फिर उसके बाद याद रखिए ओ पी डी सैप, ठीक बच्चों, मैन फैमिली होमिनिडी मास्टरडी एनाकार्डियसी याद हो जाएगा आपको, ऐसी पोएसी, पोएसी फैमिली, ठीक है, ओपीडी यानी प्राइमेटा, डिप्टेरा, सपिंडेल्स, पोएल्स, नॉट पोएसी, पोएल्स, क्लियर। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, क्लियर। बताइए बच्चों क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो बताए, सर थोड़ा छोटा कर दीजिए, छोटा कर दिया बेटा, और छोटा कर दें, बताइए बच्चों सभी को क्लियर है। मंतशा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताए, या कोई अगर कुछ कहना चाह रहा है तो वो भी कहे,
यस सर क्लियर है, जी सर क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोगों ने देखो एनसीईआरटी से कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, टेस्ट बेटा फर्स्ट चैप्टर का होगा संडे को। सब लोग जो है सेल टॉपिक तैयार कर लें, ठीक, सेल टॉपिक का जो है हम लोग लेंगे, सेल टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए इतना ही रखते हैं, केमिस्ट्री की क्लास जो है शुरू होने, ठीक 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की शुरू होगी। इससे अच्छा है कि मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से संडे को, अभी केमिस्ट्री जो है ओके बाय।